हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक कार्टून में दिखने वाली बस, जिसके लिए हमें बहुत सारा छोटे छोटे आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको मैं दिखाते जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक दो रेक्टेंगल बनाने हैं इन लकड़ियों से। जो लकड़ियां आप देख रहे हैं आगे सामने, उससे ये लकड़ियाँ मैंने यहाँ पास के जंगल से जमा की हैं। और टूल्स देख रहे हैं आप, ये जो है इसमें ये एक टूल आपको चाहिए होगा, ये बाइंडिंग वायर होगी, ये वाला एक चाहिए होगा जो कट कर देगा। और दो शेप में इस प्रकार से चार और चार लकड़ियाँ, जिससे कि रेक्टेंगल बनाया जा सके। अभी हमने एक रेक्टेंगल इस तरीके से दो छोटी लकड़ियाँ और दो लंबी लकड़ियाँ हमने यहाँ पे रख दिया है। अभी इसमें हम बाइंडिंग वायर लेकर के उसको बांधने वाले हैं। इसके लिए आपको बाइंडिंग वायर का टुकड़ा जो है इस प्रकार से कट करके इसको यहाँ से बाइंड करना है। ये देखिए से आपको उसको बैंड करना। हर एक पीस को दो टुकड़ों से आपको बैंड करना है। ये बाइंडिंग के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जो आप बैंडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। और कुछ नेल्स भी आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि ये देखिए ये हो गया। और दो हमें दूसरी जगह में लगानी है, इस साइड में। आपको इसे भी उसी प्रकार से बाइंड करना है। आपको बनाना है वो है ये। देखिए दोस्तों, हमारे चारों दोनों फ्रेम्स इस प्रकार से रेडी हैं। ये एक फ्रेम है और ये एक फ्रेम है, और इसमें आपको एक चार चार इस प्रकार की इतनी लंबी लकड़ियां लेनी है। आप देख सकते हैं लंबी है, इस प्रकार से आपको ये लकड़ियाँ लेनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको इसमें एक ग्रू देना है, ये देखिए यहाँ पे देना है, क्योंकि ये जो फ्रेम है हमें यहाँ पे लगानी है। और इसी तरीके से आपको चारों लकड़ियों में ये ग्रू इस प्रकार से देना है। देखिए लकड़ियाँ जो है दोस्तों, आप किसी भी जंगल के ले सकते हैं, सिर्फ कंडीशन इतनी ही है कि आप लकड़ियाँ जो है ज़्यादातर सीधी हो, ना कि आड़ी या टेढ़ी। ये देखिए देखिए दोस्तों, चारों हमारे लकड़ियाँ और यहाँ पे इसमें ग्रूव बने हैं। इसी प्रकार से छोटे से ग्रूव यहाँ पे बने हैं। दूसरी फ्रेम होगी वो यहाँ पे फिक्स होगी, और नीचे वाली एक जो फ्रेम है जो ये बनाई है ये यहाँ पे फिक्स होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत के साथ इस फ्रेम को मैंने लगभग तैयार किया है। ये डिज़ाइन मेरा पूरी तरह से नया है, इसकी वजह से
मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत सारी मेहनत भी लगी, और बीच में के वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं सका, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो दो रेक्टेंगुलर रिंग हमने बनाए थे, वो रिंग हमने एक यहाँ पे ऊपर लगाया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ और वो वहाँ, और दूसरा रिंग जो है वो आप देख सकते हैं, ये वाला रिंग यानी जो रेक्टेंगल था वो नीचे वाला रेक्टेंगल है। उन दोनों रेक्टेंगल्स को बाद में और चार इस तरीके से लकड़ी लेकर के खड़ी वाली, एक दो तीन और चार, उसके ऊपर एक यहाँ पे लगाई है, एक जो है रेक्टेंगल यहाँ पे लगाया है, और दूसरा वाला रेक्टेंगल है वो टॉप में यहाँ पे लगाया है। उसके बाद में ये जो बांधने का थ्रेड होता है, ये वाला ग्रोसरी में वगैरह मिलता है आपको, किसी हार्डवेयर शॉप में वगैरह मिल जाएगा, इस टाइप का थ्रेड होता है, उसे लेकर के मैंने यहाँ से इसको एक पूरा राउंड बना दिया है इस प्रकार से। इस जॉइंट में यहाँ पे सपोर्ट दिया है अलग से, क्योंकि ये थोड़ा हिल रहा था इसकी वजह से, देखिए। फिर यहाँ पर भी मैंने इस थ्रेड की यूज़ करके यहाँ पे अब देखिए इस तरीके से बनाया, ताकि ये बीच में की पट्टी बना सकूँ मैं इसमें, ये देखिए ये पट्टी बन जाएगी, ये अपनी विंडो रहेगी, यहाँ पे एक बस की विंडो रहेगी, और ये जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, और ये जो पार्ट जो टच हो रहा है ज़मीन को, यहाँ पे टायर आएंगे इस प्रकार से, आधा टायर दिखेगा इस प्रकार से। ये बस अगर ध्यान से आप देखें तो ये बस आपको यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं इस प्रकार। सॉरी दोस्तों, मैं आपको पूरा बनाते वक्त वीडियो नहीं दिखा सका, क्योंकि कैमरा पकड़ना भी बहुत मुश्किल था, और मुझे डाउट भी था कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूं, लेकिन अब लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर सकूंगा। ये मैं अपने छोटे बच्चे के लिए कर रहा हूं, जिसका बर्थडे है, उसके लिए ये बस मैं बना रहा हूं। जैसे जैसे कंप्लीट करता जाऊंगा, आपको अगली अगली स्टेप मैं वीडियो में दिखाता जाऊंगा। ये देखिए आगे भी, पिछली साइड में भी उसी प्रकार से, नीचे फ्रेम, ऊपर फ्रेम, साइड में दो यहाँ और यहाँ, ये दो सपोर्ट दिए हैं, और ये जो थ्रेड से यहाँ पे बांध दिया गया, और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें इसमें जो है पेपर वगैरह लेके रैप करना है यहाँ से यहाँ, फिर ये बीच में का पार्ट विंडो के लिए छोड़ना है, फिर ये भी हमें पैक करना है। तो दोस्तों ये देखिए, इस पर हमने पेपर लगाना शुरू किया है, यहाँ से हमें पेपर लगाना है इस तरीके से, नीचे से ऊपर इस तरीके से पेपर लगा के, उसको फेविकोल या गम जो भी हो वो गम लगा के यहाँ से दोनों तरफ से पेस्ट करना है, और नीचे की पूरी बॉर्डर हमें इस तरीके से पेस्ट पेपर लगा के पैक कर देनी है। वहाँ पे एक छोटा होल रखना है अंदर बस में आने के लिए, तो इसी तरीके से देखो दोस्तों, यहाँ से इसके ऊपर भी हमें पेपर रैप करना है, वो यहाँ तक एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे एक थ्रेड बांधनी है हमें, और उसके ऊपर रैप करना है, और बाद में इस साइड में भी उसी तरीके से करके उसका रूफ़ करना है। उसके बाद में आपकी बस का जो है डिज़ाइन आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, अभी तक टायर उसके नहीं हुए हैं। उसके बाद में हमको टायर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके आगे जो भी पेंट हमारे घर में होता है, जैसे कि ये वाला पेंट मेरे घर के काम के बाद थोड़ा रह गया था, उसे लेकर के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये वॉल पेंट है, यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरह से आप जो भी पेंट हो
अपने हिसाब से जो भी अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। इसे मैंने स्प्रे किया है, ये देखिए दोस्तों, इस तरह का स्प्रेयर होता है। यहाँ पे पंप देके यहाँ पे प्रेशर देना होता है, प्रेशर देने के बाद इस बटन से वो प्रेशर जब आप रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से पेंट का एक स्प्रे निकलता है। उस प्रकार से मैंने ये पेंटिंग किया है। आप ब्रश से भी कर सकते हैं। अभी बाकी नीचे का पेंटिंग मेरा रह गया है, उसे मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ दूसरा कलर ले करके। और टायर के लिए ये देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार से ये जो बॉक्स मिलता है कॉरूगेटेड बॉक्स कहते हैं जिसे, उस बॉक्स को मैंने इस राउंड शेप में कट किया है। ऐसे चार पीस कट करके चारों टायर के रूप में यहाँ पे लगाए हैं। उसको अभी ये टेप लगाऊंगा अंदर से, फिर उसको भी बाहर से ब्लैक कलर का पेंट करना है, और उसके बाद हमारी बस लगभग तैयार हो जाएगी। दोस्तों हमारी गाड़ी लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। ये टायर पे हमने ब्लैक कलर लगा दिया है। ये कलर ब्लैक वाला मेरे पास नहीं था, तो मैंने जो मेरे पास ग्रीन कलर था उसमें मैंने थोड़ा, मेरे पास टोनर की पाउडर थी, ये देखिए इस टाइप की थोड़ी वेस्ट पाउडर थी, उस पाउडर को मैंने जो है नॉर्मल ग्रीन कलर में मिक्स किया और एक ब्लैक कलर बना दिया उसका, और उससे मैंने टायर बना दिया और टायर पेंट कर दिए हैं वहाँ पे। दोस्तों इस गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट है टायर। अभी देखिए मेरे पास जो बॉक्स था वो बॉक्स की साइज़ बहुत छोटी थी, इसकी वजह से ये टायर मैं यहाँ तक ही ला पाया। अगर ये टायर का हाफ राउंड ऐसे बना करके अगर आप ये टायर यहाँ पे ला सकते तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखता और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखता था। लेकिन ये जो गाड़ी है, ये दोस्तों मैंने जो भी स्क्रैप मटेरियल मेरे पास जो वेस्ट यहाँ पे पड़ा था, जो पेंट भी मैंने नए नए लाए, जो भी घर के पेंटिंग के वक्त जो भी पेंट वैसे स्टोर में रखे हुए थे, उनका इस्तेमाल मैंने इस गाड़ी को पेंट करने में किया है। स्क्रैप से ये गाड़ी बनी है दोस्तों। अभी इसका फिनिशिंग आप जल्दी देखेंगे, पेंटिंग भी उतना परफेक्ट नहीं हुआ है ये देखिए, लेकिन ये जो है सिर्फ एक दिन का खेल है और इससे बच्चे को एन्जॉयमेंट उसमें होनी चाहिए, उतना ही मेरा एम है दोस्तों। इसमें आप बहुत सारा परफेक्शन ला सकते हैं। इसमें आप अगर बाज़ार से थर्माकोल के पीसीस ख़रीद के अगर आ करके यहाँ पे इस पेपर के जगह आप लगाएं और उसके ऊपर अगर जो क्राफ्ट पेपर मिलता है उसको लगाएं तो उसका परफेक्ट फिनिशिंग आएगा दोस्तों। लेकिन ये जो है, ये गाड़ी मैंने स्क्रैप मटेरियल से बनाई है। इसमें कुछ भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, जस्ट फॉर फन बनाना चाहता था। इसे आप कॉपी कर सकते हैं दोस्तों, ये डिज़ाइन मेरा खुद का है देखिए। जब भी अभी यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी से जो है एक्सटर्नल फिनिशिंग हम इसे कर देंगे। ये रफली पेंटिंग का वर्क अभी हो गया है और इसके आगे जो है फिनिशिंग होगा। यहाँ पे दो लाइट्स आएंगे और थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन की चीज़ें आएंगी जिससे वो परफेक्ट बस के रूप में उभर के दिखेगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी बस हो गई है तैयार। तो इसमें दूसरा बर्थडे था, इसके लिए हमने यहाँ पे दो नंबर लगाए हैं। फिर ये देखिए आप यहाँ पे स्टार देख सकते हैं, ये डिज़ाइन और ये गिफ्ट इस प्रकार से हमने लगाए हैं। और बाहर से ये बस इस प्रकार से दिखेगी, देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर की एक बॉर्डर दी है ताकि वो थोड़ा इफ़ेक्टिव लगे। बाद में ये हमने नाम दिया है ऊपर, और नीचे ये दो आँखें लगाई हैं, यहाँ यहाँ एक, और ये तीन पट्टियाँ ब्लैक कलर की लगाई हैं ताकि वो थोड़ा वेंट जो होता है ना बस का आगे का वो दिख सके। दोनों आँखें और जो नीचे का वेंट है उसी पर उस बस का लुक आपको मिल जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।